फिर आता है कैटेगरी 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 होनी चाहिए categories. जी हाँ, पिछले सालों से मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर और अच्छी लाना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं, तो आपको अपनी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में सही कैटेगरीज को इम्प्लीमेंट करना होगा यानी कि आप एक अच्छी प्राइमरी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और आप नौ अच्छी सूटेबल एडिशनल कैटेगरीज को अपनी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में इंप्लीमेंट करेंगे लेकिन ये काम जितना बोलने में आसान है उतना आसान है नहीं किसी भी नॉर्मल बिजनेस ओनर के लिए ये समझ पाना इमेजिन कर पाना कि किसी भी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के लिए कौन सी कैटेगरी सबसे अच्छी हो सकती है कौन सी एडिशनल कैटेगरी सबसे अच्छी हो सकती है ये एक टफ टास्क है इनफैक्ट कुछ एक्सपीरियंस्ड एस के लिए लोकल एस के लिए भी, टफ हो जाता है, इस बारे में कोई भी कौन सी कैटेगरी अच्छी होती है इस मामले में गूगल कोई भी गाइडेंस नहीं देता है well, अगर नहीं देगा, तो हम क्या बिजनेस करना छोड़ देंगे आज के बाद से किसी भी बिजनेस ओनर को या एसईओ को किसी भी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग की कैटेगरी ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आई गारंटी यू हम प्रेजेंट करते हैं अपना एक फ्री टूल जो आपको आपके बिजनेस की सही कैटेगरीज ढूंढ बता सकता है ये एक एब्सोल्युटली फ्री टूल है बहुत इजी टू यूज है आपको सिर्फ दो स्टेप लगेंगे और आप किसी भी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग की कैटेगरीज को निकाल सकते हैं आपके पास एक्सेस हो या ना हो मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूं सीधे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसे यूज कैसे करना है आ चुके हैं अपने इस टूल के अंदर और यहां पर आपको एक फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा मैंने अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है इसीलिए मैं क्लिक करता हूँ लॉग इन बटन के ऊपर ताकि हम लॉग इन कर लेग इन करने के साथ साथ आपको एक बहुत ही छोटी सी सिंपल सी स्क्रीन दिखाई देगी यहाँ पर आपको सिर्फ दो डिटेल देनी है आपको देना है अपने बिजनेस का नाम और आपका बिजनेस क्या करता है या क्या बेचता है ओके सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक हेयर ड्रेसिंग का बिजनेस है सो वट डू यू डू यू स्टाइल हेयर यू कट हेयर You do grooming, right? That's it. अगर आप एक किसी हॉस्पिटल के लिए बिजनेस लिस्टिंग कैटेगरीज को ढूंढना चाहते हैं तो आप अपने हॉस्पिटल को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप सिर्फ लिख सकते हैं कि आई रेन ए हॉस्पिटल मेरा एक हॉस्पिटल है या क्लिनिक कोई भी बिजनेस हो सिर्फ आपको बिजनेस की बेसिक डिटेल्स डालनी है टेन कैरेक्टर से ज्यादा होनी चाहिए यहां तो पर मैं बिजनेस का नाम दे देता हूँ लेट से एक्स वाई जेड सेलॉन एंड बिजनेस का डिस्क्रिप्शन में एड कर देता हूं आई स्टाइल हे बूथ मैन एंड वुमेन ठीक है एंड देन इसके बाद फाइंड बेस्ट कैटेगरीज नाम के इस बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ थोड़ा सा वक्त लगेगा एनालाइज करने में इतना मौका दे देते हैं एंड कैटेगरीज आपके सामने आ गई हैं प्राइमरी कैटेगरी क्या है हेयर सेलॉन एडिशनल कैटेगरीज क्या है ब्यूटी सेलॉन हेयर स्टाइलिस्ट बाबा शॉप हेयर केयर हेयर ड्रेसर हेयर एक्सटेंशन सर्विसेज हेयर रिप्लेसमेंट सर्विसेज विग शॉप ब्यूटी प्रोडक्ट सप्लाई नाउ अगर आप अभी के अभी इन कैटेगरीज को अपनी बिजनेस सिस्टम में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास ये कॉपी बटन है इसको दबाइए और आपकी कैटेगरीज आपके सिस्टम में कॉपी हो जाएंगे आप जाकर यूज कर सकते हैं अपनी गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में एज इट इज पेस्ट कर सकते हैं अगर आप ये चेंज अभी नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास डाउनलोड लिस्ट नाम का ये बटन है इस पर हम क्लिक करते हैं और इमीजिएटली ये जो कैटेगरीज की लिस्ट है ये आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगी और ये जो लिस्ट है ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपकी प्राइमरी कैटेगरी और एडिशनल कैटेगरीज जो नाइन एडिशनल कैटेगरीज हैं वो आपको यहाँ पर आपके सिस्टम पर दिखाई दे जाएंगी आप इन्हें कभी भी यूज कर सकते हैं आगे चल के फ्यूचर में यूज कर सकते हैं आप अपनी एस टीम को भेज सकते हैं ताकि वो आपकी लिस्टिंग में इंप्लीमेंट कर दें अब आप देसेंट फ्री हैं तो so यहां पर अभी हमने सिर्फ एक ही बिजनेस की कैटेगरीज को देखा है लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स कुछ और बिजनेसेस को देखते हैं कि आखिर उनके लिए सही कैटेगरी ढूंढ सकता है या नहीं ढूंढ सकता है सो so हम यहां पर वापस आ जाते हैं और इस बार फिर से मैं एक बिजनेस का नाम देता हूं एक्स वाई जेड हॉस्पिटल वी ट्रीट पेशेंट्स एंड ऑपरेशन ठीक है बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ बहुत ही सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है कुछ भी खास डिटेल देने की जरूरत नहीं है यहां पर फाइंड बेस्ट कैटेगरीज पर क्लिक करता हूँ और ये टूल जो है हमारा वो आपको बेस्ट कैटेगरीज ढूंढ कर बताएगा यहाँ पर प्राइमरी कैटेगरी आ गई हॉस्पिटल इसके बाद एडिशनल कैटेगरीज में मेडिकल क्लिनिक मेडिकल सेंटर हेल्थ कंसल्टेंट इमरजेंसी रूम हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकल डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेंटर वगैरह जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है अगर आप और टाइट मैचिंग चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है उसको बहुत ही डिटेल कर दें और आपको जो एडिशनल कैटेगरीज मिलेंगी वो भी और ज्यादा एक्यूरेट रहेंगी सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बिजनेस डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ दैट वी डू कॉस्मेटिक

तो so, ये टूल आपको ऑटोमेटिकली एनालाइज करके कैटेगरी प्रोवाइड कर देगा नाव यहाँ पर कैटेगरी हमें मिल रही है कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक एज प्राइमरी क्लिनिक एंड इसके बाद मेडिकल क्लिनिक प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर हेयर रिप्लेसमेंट सर्विस स्किन केयर मेडिकल स्पा ब्यूटी सलोन वेलनेस प्रोग्राम हेल्थ कंसल्टेंट ओके नाउ लेट्स टेक अ फ्यू वाइल्ड एग्जाम्पल ओके मैं यहाँ पर नॉर्मली uh, कर देता हूँ एक्स वाई जेड बिजनेस एंड देन डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ सिर्फ आई मूव स्टफ फ्रॉम वन होम टू अनदर एंड लेट्स टेस्ट कि क्या यह टूल सिर्फ ऐसे ही वेग डिस्क्रिप्शन से कैटेगरीज निकाल सकता है फाइंड बेस्ट कैटेगरीज एनालिस पूरा हो चुका है और कैटेगरी जो मिल रही है वो है मूविंग एंड स्टोरेज सर्विस मूविंग कंपनी फर्नीचर मूविंग एंड रिमूविंग सर्विस पियानो मूविंग सर्विस कमर्शियल मूविंग सर्विस वगैरह वगैरह इन कैटेगरीज को आप एज इट इज अपनी बिजनेस लिस्टिंग के ऊपर यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस लिस्टिंग की ग्रोथ को देख सकते हैं उसमें सही ट्रैफिक को पा सकते हैं आप अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं और आपको जो लीड्स मिलेंगी वो भी रेलिवेंट होंगी एयरिलेवेंट फालतू की लीड्स नहीं मिलेंगी और इस पूरे काम में टाइम कितना लगता है सिर्फ कुछ सेकंड सो so आप किसी भी बिजनेस के लिए प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरीज को एक एक्सपर्ट एस की तरह निकाल सकते हैं उसे अपनी बिजनेस लिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं अपने एस कंपनी को भेज सकते हैं ताकि वो आपके बिजनेस लिस्टिंग को और अच्छे तरीके से प्रमोट करे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टूल टिप या फिर ट्रिक के साथ में तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो माई नेमित फॉर तिवारी टॉट नेट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर